8:30 हो गए, अभी तक आया या कि इधर आ गया? आज इसको आ लेने दो, मैं इसको बताता हूँ। ये रोजाना लेट आता है, इसका रोज का ये काम हो गया। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। टाइम देखा आपने, क्या टाइम हुआ? 8:30 हो गया। 8:45 बजे मैं आता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप 8:45 बजे आता हूँ और आप मेरे शरीर को 8:30 करते हो। ये आपका क्या तरीका है? इस तरह काम करते हैं? इस तरह तो भाई कोई भी नहीं करता। जिस तरह आपका ठीक हो जाओ करता, मैंने आपको जाम से निकाल दिया। मैं डॉक्टर हूँ, पहले आ रहा हूँ, मुझसे लेट आ रहे हो। सॉरी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। अच्छा चले ठीक है, आप उसको दवाई दे दें तो दोबारा इंशाल्लाह उसको दोबारा चेक करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आज फिर आप लेट आए हो, टाइम देखा आपने क्या हुआ? यार रोजाना की तरह कल की तरह भी आज आप लेट आए, तो आज मैंने आपको सजा देनी है इसके लिए। उधर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर दो और एक टांग ऊपर कर दो, ये आपकी सजा है। हिलो मत, हिलना नहीं। चलो ठीक है, आप छोड़ दो। मैंने ये सजा इसलिए आपको दी है कि आपकी रूटीन सेट हो। मुझे वरना कोई शौक नहीं है कि मैं आपको सजा दूं। इतने बड़े हो गए हो, आपको अभी तक अकल नहीं आई कि टाइम से जाना क्लिनिक पे। घर है ना? कोई गल अलावा ने साडी ड्यूटी लाई है जिदी वजह मैं तुहानू उत्थों डेली लै जाना, ठीक है? और मैं लेट हो गया, मैं क्लिनिक जांदे रहना, ठीक है? अल्लाह पाक अल्लाह पाक तकरीबन सर मेरा डेली का काम है, ये भाई है रास्ते में, डेली इसी तरह मैं इस भाई को क्रॉस करवा के उसके घर। यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको गलत समझता रहा हूँ कि आप लेट आते हो जान बूझ के। यार मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप उसको उठा के वहां से उसको बाहर कराया, फिर उसके घर छोड़ के आए। जी यार आप वाकई इतना ही इंसान हो, मैं आपका फैन हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मैं आपको सजा देता रहा हूँ, मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। आप यार इधर आओ मेरे पास, मैं कोई यार आपको भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको एक ये बताता हूँ कि सदका क्या चीज है। जरूरी नहीं है कि सदका हम पैसों का दें या गोश्त का दें या किसी को हम पैसे दें, ये सदका नहीं है। किसी को उसका घर दिखाना या उसका रास्ता दिखाना, ये भी बहुत बड़ा सदका है और ये सदका मकबूल नेकी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हकूक माफ कर सकता हूँ, लेकिन हकूकली बात के बारे में मैं आपसे पूरा पूरा पूछा जाएगा आपसे। तो आपने मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने उस लड़के को वहां से उठाया, उठा के उसके घर छोड़ गए, उस लड़के ने आपको बड़ी दुआएं दी। तो मैं वैसे ही आपको यार अजियत देता रहा, तंग करता रहा, उसके लिए मैं माजर करता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस चीज को आम करना है,
इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना ये नेकी करें और इसका अजर हासिल करें।